We'll be discussing all about introduction, then the structures of an egg, and then what is the protein content of an egg, what are the types of protein present in the egg white and yellow, and the production of egg powder. Okay, egg powder is not means like very commonly discussed topic in nutrition and dietetics topics, so that's why we'll be discussing upon on the introduction, structure of an egg, and the protein content and the types of protein present in egg white and yellow. Okay, so number one is the eggs are laid by female animals of many, including birds, amphibians, and reptiles and fish. ठीक है, तो eggs ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब hens lay कर रही हैं. There are many other species also which are laying eggs, like birds, amphibians, reptiles and fish. The chicken eggs हैं, these are the most popular, means बहुत जो popular choice है egg consumption के लिए humans के through, वो है chicken eggs, right? और मेन बात ये है कि जो ये जो चिकन एग्स हैं, दीज आर एन इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, एंड इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच ऑल अदर प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड्स हैं उनको हम असेस करते हैं. जैसे कि अगर पल्स है कोई, हम पल्सेस को ले रहे हैं, तो जो एग्स हैं उनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, और ओवरऑल जो प्रोटीन कंटेंट है विच इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इजिली अवेलेबल. इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, दैट इज अराउंड 96. मतलब जो भी प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है वो इजिली हमारी बॉडी में असिमिलेट हो जाएगा, राइट? एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ सम अदर प्रोटीन ऑल्सो. नाउ वॉट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एग? So an egg basically consists of three parts, right? मतलब like shell हो सकता है, egg white हो सकता है, egg white है and egg yolk है. So these are the basically three main parts, like shell, egg white and then the egg yolk. Okay. So we'll be discussing the structure of an egg in detail, right? This is the structure of an egg. So ये जो है हमारा, ये हमारा आउटर शेल है. ओके, दिस ब्राउन पार्ट इज द आउटर, दिस इज द आउटर शेल. दिस इज द आउटर शेल एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ये है हमारी, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पॉकेट है, दिस इज नोन एज एयर सेल. ओके, ये जो येलो पार्ट है दैट इज योल्क. ओके, द वाइट पार्ट इज नोन एज दिस एल्ब्यूमिन. ओके, एंड दीज कॉर्ड लाइक स्ट्रैंड्स आर दिस चलाजे प्रेजेंट ओवर हेयर, जो कि होल्ड करके रखते हैं योल्क को सेंटर में. ओके, एंड हेयर इज द जर्मिनल डिस्क व्हिच एक्चुअली हेल्प्स इन द फ्यूजन, राइट? जब भी फ्यूजन होगी एंड इट्स गोना बी डेवलप्ड इनटू अ चिक, तो जर्मिनल डिस्क रोल प्ले करती है. और देन देयर इज अ विटेलिन मेम्ब्रेन. विटेलिन मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द योल्क मेम्ब्रेन, जो कि योल्क को सेंटर में होल्ड करके रखी. ठीक है ना, दिस इज द यूज ऑफ विटेलिन मेम्ब्रेन, राइट? नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग? शेल की जो कॉम्पोजिशन है, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल. सबसे पहले आउटर कवरिंग ऑफ एग जो है, जो कि कंपोज्ड है लार्जली है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की. ठीक है, इसके ऊपर थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और पॉलीसेक्राइड का कंपोज्ड है, और इसमें जो पोर्स हैं क्यूटिकल या ब्लूम से कवर होते हैं, ताकि इवेपोरेशन ना हो अंदर के मटेरियल की, और जो सेल्स हैं वो इजीली ब्रीद भी कर सके. और जो शेल का कलर है ना, वो डिपेंड करता है वाइट और ब्राउन की कौन सी ब्रीड ऑफ चिकन है. ठीक है,
लेकिन जो व्हाइट और ब्राउन कलर है वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि एक जो एक एग है वो कितना न्यूट्रिटिव होगा या उसके न्यूट्रिटिव कंटेंट कितना ज्यादा होगा उस आउटर शेल के कलर पे। जो शेल का कलर है दैट इज ब्राउन और समटाइम्स लाइक ब्लूइश ग्रीन आल्सो, इट इज बिकॉज क्योंकि क्या कहते हैं ऊ पोरफायरिन पिगमेंट्स एंड ऊ साइनिन, फॉर द हल्का ब्लूइश ग्रीन जब कलर होगा शेल का तो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके जो योल्क है दिस इज द येलो पोर्शन ऑफ द एग विच इसका कलर वेरी करता है फीड के साथ साथ, मींस जैसा कलर मिलेगा फीड में, मतलब हैन को जैसा फीड दी जाएगी उसके बेसिस पे द रिचनेस ऑफ योल्क डिपेंड्स, मींस किस कलर में वो होगी। और बट ये कभी भी ये इंडिकेट नहीं करता कि कितना न्यूट्रिटिव कंटेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब वाइटामिन ए सिंथेटिकली हैन की डाइट में दिया जाता है तो एग योल्क कलर रिच नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कैरोटेनॉइड रिच डाइट दी गई है हेन को तो ही तभी येलो रिच कलर आता है, तो प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए प्रेजेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सिंथेटिकली वाइटामिन ई दिया जाता है तब लाइट कलर होता है लेकिन वाइटामिन ए एनरिच्ड होता है वो एग में। सो मेजर सोर्स ऑफ एग जो है दैट इज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमारे योल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मिनल डिस्क का बेसिकली रोल मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फ्यूजन में है जिसमें से वो चिक में डेवलप कर जाएगा। एंड देन विटिलिन मेम्ब्रेन इज द योल्क मेम्ब्रेन, मतलब जो होल्ड करके रखती है योल्क के कंटेंट्स को, राइट। तो देन चलाजे हमारा ट्विस्टेड कॉर्ड लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ एग वाइट है, एंकर और योल्क इन द सेंटर ऑफ एग, राइट, इंडिकेटेड फ्रेशनेस, जो फ्रेशनेस को इंडिकेट कर रहा होता है। नाउ हमारा है क्या है एयर सेल। एयर सेल हमारा पॉकेट ऑफ एयर फॉर्म, जो कि मतलब एयर सेल इज द पॉकेट ऑफ एयर फॉर्म बाय द कॉज्ड बाय द कंटेंट्स ड्यूरिंग कूलिंग आफ्टर लेइंग इंक्रीज इन साइज एज एग एजेस। अभी क्या है ना कि एयर सेल हमारा डेवलप हुआ है, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जब हैन के मोम में था एग तब टेम्परेचर कंडीशंस, एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशंस डिफरेंट थी, जब एक बार ले डाउन कर गया तो टेम्परेचर कंडीशंस डिफरेंट हुई, तो उसमें क्या होता है कि कूलिंग होती है, अंदर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा था तो जब ये कूलिंग हुई तो कूलिंग के समय पे ये सारा कंटेंट अंदर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस चक्कर में यहाँ पे एक एयर सेल डेवलप होता है। ठीक है, जो धीरे 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 बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लीव कर जाती है बाहर के मॉइस्चर में और एयर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से ये एयर सेल ऐसे डेवलप होता है, धीरे धीरे साइज में बढ़ता रहता है ये एयर सेल। और होता क्या है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे पानी में डालेंगे ना अगर एग को, और अगर वो डूब जाता है दैट मीन्स एयर फ्रेश, मतलब एयर सेल बहुत छोटा है और एग अभी फ्रेश है, लेकिन अगर पानी में वो फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स एयर सेल काफी बड़ा हो चुका है और वो एग फ्रेश नहीं है, इट इज 3 to 4 weeks ओल्ड। नाउ द शेल मेम्ब्रेन्स, दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टेक्ट में है एल्ब्यूमिन की, और एल्ब्यूमिन कौन सा, जो थिन एल्ब्यूमिन है, राइट, थिन एल्ब्यूमिन के कॉन्टेक्ट में है, और एक है थिक एल्ब्यूमिन। अब थिन एल्ब्यूमिन और थिक एल्ब्यूमिन का क्या चक्कर है, ओके हम डब्ल्यू डिस्कस करेंगे। जो जो शेल मेम्ब्रेन है बेसिकली ये प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन, लाइक कोई भी बैक्टीरिया अंदर एंटर ना कर सके, पेनिट्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। और एयर सेल फॉर्म करता है बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, आउटर और इनर शेल मेम्ब्रेन। ओके, सो नाउ थिन एल्ब्यूमिन जो कि व्हाइट वाला पार्ट है नियरेस्ट टू द शेल मेम्ब्रेन एंड स्प्रेड्स अराउंड थिक व्हाइट ऑफ हाई क्वालिटी एग। जो थिक एल्ब्यूमिन है बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ एग राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हमारा थिक एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रेंथ हायर एंड स्प्रेड्स लेस इन हायर ग्रेड एग्स। अगर अच्छी क्वालिटी का एग है तो ज्यादा अमाउंट में थिक एल्ब्यूमिन होगा, लेकिन अगर लो क्वालिटी एग है देन थिक एल्ब्यूमिन उतना नहीं प्रेजेंट होता, और थिक और थिन में ज्यादा डिस्टिंग्विश करना भी बहुत ही मीन्स मुश्किल है, राइट। सो थिक और थिक में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल है, तो
हम चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा एक ये बेसिक स्ट्रक्चर था जिसमें कि ये है कि कौन कौन से प्रोटीन कंटेंट्स प्रेजेंट है, राइट। सो बेसिकली इसमें इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये बुक्स से अगर आप लोग डायरेक्ट एज इट इज ले लोगे, व्हाट इज द वाटर कंटेंट एंड व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट एंड फैट कंटेंट, राइट, एंड व्हाट इज द वाटर कंटेंट एंड व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट, सो दीज यू माइट फॉलो अ बुक विच इज मीन्स है द वैल्यूज विच दे आर प्रेफरिंग राइट नाउ। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। दीज आर द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ओके, सो इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, आउटर मोस्ट पार्ट इज द एग शेल। और जो आउटर एग शेल है वो किसका बना होता है, मैंने पहले भी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट का, एंड इज कवर्ड विद एज मेनी 17,000 टाइनी पोर्स। इजंट इट टू मच, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं, और फिर इसी वजह से ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट, जो एयर को पास आउट होने देती है लेकिन अंदर का कंटेंट नहीं पास करती है, इसीलिए सेमी परमिएबल है, जिसकी वजह से मॉइस्चर टू पास थ्रू इट्स पोर्स, ठीक है, तो मॉइस्चर पास आउट कर जाता है इसके पोर्स से। और जो शेल है वो हेल्प करता है थिन आउटर मोस्ट कोटिंग, जिसको हम ब्लूम बोलते हैं, राइट, आउटर मोस्ट कोटिंग कॉल्ड द ब्लूम, और क्यूटिकल जो कि हेल्प करता है कीप आउट बैक्टीरिया एंड डस्ट, राइट, बैक्टीरिया और डस्ट को मतलब बाहर रखने में हेल्प करता है, मतलब अगर ब्लूम नहीं होगा, नहीं प्रोटेक्ट करेगा, तो अंदर के कंटेंट भी बाहर मूव कर जाएगा और बाहर से डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर कर सकते हैं और एग शेल के थ्रू इनसाइड द एग मटेरियल। ओके, सो देन इट विल नॉट बी एबल टू पैलेटेबल, खाने लायक नहीं रहेगा ना। आउटर एंड इनर शेल मेम्ब्रेन। ओके, वॉट इज द रोल ऑफ दिस आउटर एंड इनर शेल मेम्ब्रेन? वेल, दीज टू जो मेम्ब्रेन है आर इनसाइड द शेल, शेल के अंदर होती है, सराउंडिंग द एल्ब्यूमिन, मीन्स व्हाइट पार्ट को सराउंड कर रखा होता है, ठीक है, व्हाइट पार्ट को सराउंड कर रखा होता है बेसिकली। सो ये जो टू मेम्ब्रेन्स हैं आर मेड पार्टली ऑफ कैरेटिन, तो पार्टली केराटिन की होती है, सो दिस इज यू शुड कीप दिस, मींस केराटिन की बनी हुई होती है जो टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन, और ये जो प्रोवाइड करती हैं एफिशिएंट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन, सो बैक्टीरिया से प्रोवाइड कराती हैं इनर शेल कंटेंट्स को। सो